सुखमनी साहिब एक ओंकार सतगुर प्रसाद गौड़ी सुखमनी महला पंजवां श्लोक आद गुर ए नमः है जुगाद गुर ए नमः है सतगुर ए नमः है श्री गुरुदेव ए नमः है अष्टपदी सिमरो सिमर सिमर सुख पावो कल कलेश तन माय मिटावो सिमरो जास दिसंबर एक है नाम जपत अगन तन एक है वेद पुराण सिमरत सुदाखर कीने राम नाम इकाखर किनका एक जिस जीव सावे ताकि महिमा गनी ना आवे काकी एक है दर्श तुहारो नानक उन संग मोहि उदारो। तो आज जो यहाँ सुखमनी साहब का पाठ है उसका जो मकसद है और उसके अंदर जो शमूलियत है मेरी वो यही है, जैसे गुरबानी में गुरु साहब ने कहा है कि ये न चाहे वो ईश्वर हो अल्लाह हो जो भी हो जो बंदे हैं वो उसी के हैं, हाँ सही है गलत है जैसे भी वो उसी के नूर से आए हैं। तो ये एक मैसेज जो गुरु नानक जी ने दिया है कि हम सब एक हैं, हमारे नाम अलग अलग हो सकते हैं, मैं सोहेल हूँ अशोक है या सिंह है, लेकिन हम बंदे तो एक ही के हैं और उसी का हमें आशीर्वाद चाहिए, उसी की हमें ब्लेसिंग चाहिए। हम सब तो हैं बंदे एक ही के, हाँ हमारा अंदर जो चीज़ है वो जो नूर है जैसे हम मुसलमानों में कहते हैं जो नूर है जिस नूर से हम आए हैं वो हम सब एक ही हैं, नाम अलग अलग हो सकते हैं, मेरे रगों में भी लाल खून है आपके रगों में भी सब में लाल खून है। तो हम एज ए ह्यूमैनिटी जो है वो बहुत बड़ा सबसे बड़ा जो रिलीजन है जो सबसे बड़ी सोच है वो ह्यूमैनिटी है। बाकी बहुत सारे रास्ते हैं जैसे हम जगह से जा सकते हैं, अगर मुझे यहाँ से कैलगरी जाना हो तो मैं हाईवे 2 भी ले सकता हूँ, मैं कोई दूसरी रोड भी ले सकता हूँ, लेकिन मेरा मकसद तो हाईवे 2 से या दूसरी और रोड से जाना तो कैलगरी ही है। तो हमारे डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं लेकिन हमारी सोच हमारा मानना सब एक ही है, एक ही सोर्स है जिसने इस पूरे कायनात को चलाया हुआ। ऐसे इबादत है जो हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से इबादत करें, इबादत का मकसद ये है कि अपने क्रिएटर को हम किसी तरह राज़ी कर लें। तो क्रिएटर तो एक ही है, हमें जाना तो उसी के पास है, डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से डिफरेंट डिफरेंट रास्तों से, कोई कोई इस रास्ते से जा रहा है कोई उस रास्ते से जा रहा है, हाँ। और रिलीजन हर रिलीजन एक ही चीज़ सिखाता है कि रिस्पेक्ट अदर रिलीजन, दूसरे इंसान की रिस्पेक्ट करो दूसरे मजहब की रिस्पेक्ट करो, हाँ। इससे बड़ा मैसेज किसी रिलीजन में मैंने नहीं देखा, कोई भी रिलीजन आप उठाएँ उसके अंदर एक ही मैसेज है कि जितना आपको आपका अपना मजहब अजीज़ है उतना ही आपको दूसरे का भी होना चाहिए, उसी हिसाब से आपको जितनी इज्जत आप अपने मजहब की करते हैं दूसरे की करें।